नमस्कार चौबीस घंटा स्वागत अपने संगे मिमि शुरूते ही खबर अपने जानाबो फेर पहाड़े अशांतिर कालो मेघ बांधेर हुशियारी दिए मोर्चा सभापति बिमल गुरुंग गतकाल मुख्यमंत्री जानिएछिलेन जे 400 कोटी टाका दिएछेन पहाड़ेर उन्नयने से 400 कोटी टाकार हिसेब दीते हबे मुख्यमंत्री के एबं सेई हिसेब दीते हबे 27 सेप्टेम्बरेर मध्ये हिसेब दीते ना पारलेई बांध डाकबेन तारा एरकमई हुमकी दिएछेन मोर्चा सभापति बिमल गुरुंग গতকালের পর আজও কালিম্পং এ মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা করেন এবং এরি মধ্যে বিমল গুরুং মোর্চা সভাপতি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ফের বন্ধ টাকার এবং তার হুমকি গতকাল মুখ্যমন্ত্রী যে জানিয়েছিলেন 400 কোটি টাকা দিয়েছেন উন্নয়নে সেই 400 কোটি টাকার হিসাব দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে এবং সেই জন্য তিনি সময়সীমা ধার্য করে দিয়েছেন 27 সেপ্টেম্বর তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে 400 কোটি টাকার হিসাব দিতে হবে আর তিনি যদি তা না দিতে পারেন তাহলে তার পরদিন থেকে বন্ধের ডাক দেবে মোর্চা এমনি হুঁশিয়ারি বিমল গুরুংয়ের এর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন আমরা শুনবো কাম নেই করেঙ্গে और खाली बंद करेंगे बंद से पहाड़ नहीं चलेगा बहुत हो गया हर रोज खाली पॉलिटिक्स के लिए राजनीति करने के लिए जब भी हमारा मौका मिले हमको जब कुछ नहीं रहे हम काम करने नहीं पाया तो आसानी काम है बंद में चला जाओ जीटीए में काम करेंगे आप और गाली देंगे हमको क्यों किसके लिए इनफ इज इनफ किसके लिए चार साल आप अच्छा से रहेंगे और चुनाव आने का टाइम में हम छोड़ के जाएंगे हम बंद करेंगे हम आग जलाएंगे ये नहीं चलेगा मेरे को भी सब पता है हम डरते नहीं है किसी को डराते भी नहीं है हम आम जनता को विश्वास करते हैं भरोसा करते हैं এরই পাশাপাশি পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী আমরা শুনবো সব বাতো বাতো में गुस्सा का क्या बात है मिरिक में हमारा नया सब डिविजन आ रहा है छोटा से लेकर और कुछ नहीं है इसको हम नहीं बनाएंगे लेकिन आप लोगों के पास तो सब छोड़ दिया एक दो चीज मेरे को पास है अगर मेरे को पास सब रहता है तो मैं तो बहुत सारे काम कर देते थे लामा आटा बनाया तो उसको भी आग जलाने की कोशिश किया डराया वो लोगों को तगदा में इतना अच्छा बना दिया तगदा में फिर आप लोगों ने आग जला दिया फिर नया मैंने बनाया मैं लोबा लाबा लोले गांव बनाने चाहते हैं टाइगर हिल्स को नया टूरिज्म स्पॉट बनाने चाहते हैं कालिम्पोंग कर्शियंग कालिम्पोंग नया डिस्ट्रिक्ट का ओर से मिरिक नया सब डिविजन का ओर से दार्जिलिंग भी नया दार्जिलिंग बने खाली मल्टीस्टोर बिल्डिंग बनाने से काम नहीं होता ये नेचर है नेचर पहाड़ को रक्षा करना जरूरी है ये बहुत आसानी है कि हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दे लेकिन जब भूकंप आएगा कौन बचाएगा देखना है कि नहीं है हमारे लोगों ने है ना उसको देखना है मैं भूटान में गया मैंने देखा एक चीज मेरे को अच्छा लगा जितना घर बनाते हैं वो प्लेन एरिया में बनाते हैं प्लेन में पहाड़ को नहीं करते हैं हम उसको बोला कि आपके घर में तो बहुत टूरिज्म बढ़ सकता है तो मेरे को कहा देखो ममता जी हम टूरिज्म बना सकता है लेकिन हमारा सब चला जाएगा ये हम नहीं चाहते हैं हम थोड़ा प्लानिंग किया इसी के लिए कि हमारा कोई दिक्कत ना हो अगर ये बात हम कहते हैं तो देखो आसमान भी हंसते हैं ये तो मेरे को बात नहीं है कि ये दार्जिलिंग का ये हृदय का बात है दिल का बात है पहाड़ अच्छा रहेगा तो हम लोग अच्छा रहेगा अगर हमारा एक पहाड़ छोटा से पहाड़ दार्जिलिंग को हम इतना पसंद करते हैं तो गुस्सा का बात क्या है आप लोग आइए ना आपका पार्टी बनाइए बाहर में हम मदद करेंगे क्या है अगर हम आने से आपको गुस्सा होता है आप जो जाते हैं कलकत्ता तो मेरे को तो गुस्सा नहीं आता है आप पहाड़ में आने से आपको गुस्सा होता है तो आप सिलीगुड़ी जाते हैं हमारा तो गुस्सा नहीं होता है हर आदमी हर जगह में जा सकता है अगर रास्ता बंद हो गया तो किसके लिए सबसे खराब होगा आप तो कोई कोई लोगों का पास बहुत है वो तो बाहर में भाग जाएगा लेकिन जो दार्जिलिंग में रहते हैं
कालिम्पोंग में रहते हैं, कर्सियांग में रहते हैं, गांव गांव में रहते हैं, मिरिक में रहते हैं, उसको क्या होगा? वो तो नहीं भाग पाएंगे। कोई कोई भाग जाता है राजनीति का नाम पे, लेकिन जनता ने नहीं भाग जाता है। जनता ने को तो रुकना पड़ता है, यही उसका होमलैंड है, ये इसको मदरलैंड है, इसमें रहना है। तो इसी के लिए जितना हमारा बोर्ड है, ये लोग तो कोशिश कर रहे हैं। लेप्चा बोर्ड क्या खराब काम किया? 4000 घर बना के लेप्चा परिवार को, गरीब को दिया है गांव गांव में, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? 3000 कर दिया और 1000 कर रहे हैं। आपका तमंग हम इसको थूमे करा रहे, 1250 घर बना के दे दिया और भी 900 बना रहा है। ऐसा प्रोग्राम हम हर बोर्ड को दिया है, हर बोर्ड कंप्लीट करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे तो फिर हमको उसको देके करेंगे। हमारे पास जो जो है, एक हॉकर्स मार्केट करने गया उसको भी नहीं करने दिया दार्जिलिंग में, इज इट नॉट करेक्ट? क्यों? अगर आप हमको करने नहीं देंगे तो क्या होगा? हम तो करने चाहते हैं, लेकिन रुकावट के लिए मेरे को खेद है। हम इंतजार करेंगे, हमको भरोसा विश्वास आप लोगों के ऊपर है। आप लोग चाहते हैं क्या दार्जिलिंग अच्छा रहे, कालिम्पोंग अच्छा रहे, कर्सियांग अच्छा रहे? तो तब तो भरोसा रखना, राजनीति एक दिन आएगा, एक दिन चला जाएगा। लेकिन पहाड़ में उन्नति चाहिए, पहाड़ में पहाड़ को भलाई चाहिए, पहाड़ में घर चाहिए, शांति चाहिए, शस्ती चाहिए, रोजगारी चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, आग नहीं जलाइए। तो इसी के लिए आप लोग अच्छे रहे, ये मेरे को सबसे अच्छा है। और ये बात है, हम 2 महीना बाद पहाड़ में आते हैं, जरूर आएंगे।